कुलदीप शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। पंडित जी ने हमने जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, हुड्डा ने कहा है। कुलदीप शर्मा छुड़ाना चाहेंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। कुलदीप शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान, पंडित जी हमने जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं है, अगर कुलदीप शर्मा छुड़ाना भी चाहेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, भागने की कोशिश मत करना, ये भूपेंद्र हुड्डा कहते नजर आए। हमारा नेता है कुलदीप शर्मा, स्पीकर रहते हुए अच्छा काम किया है कुलदीप शर्मा ने। देखिए कुलदीप शर्मा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान, और देखिए ये बयान तब आया है जब कुलदीप शर्मा खुद ये बात कहते नजर आए कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अटकलें थी कि कुलदीप शर्मा जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उन अटकलों पर सबसे पहले कुलदीप शर्मा ने विराम लगाया और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का भी ये बड़ा बयान सामने आ गया है। पंडित जी हमने जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं है, कुलदीप शर्मा छुड़ाना चाहेंगे हम तब भी नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। और ये भी कहते नजर आए कि भागने की कोशिश भी मत करना। साथियों का मैं फिर से वो करता हूँ, और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या केगल फहमी फैल गई किसके है, कोई अफवाह नहीं फैल सकती। भाई बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगा तब भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझ गया। ये तो हमारा हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था इधर ना, पहली बार आप एमएलए बने, स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया, तो ईसाई साथ चाहिए हमने असेंबली में, आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा। बाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल बाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा के आज मिला फिर, आज मिला फिर जन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं, पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था, कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहां का मैंने देख के खुश रहने लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से जा सकता हूं वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना।